बरेली से खबर आ रही है कि कोरोना से 7 और लोगों की जान चली गई है और 3 दिन में कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बढ़ती मौतों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बरेली से बहुत ही चिंताजनक डाटा सामने आया है, 3 दिन में कुल 21 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है, 7 और नई मौतें यहाँ पर हुई है कोरोना के कारण। और बीते 3 दिन का आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो 21 मौतें कोरोना से यहां पर हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अनूप से इस पर अपडेट लेते हैं। अनूप, क्या कहना है स्वास्थ्य विभाग का? एक तरफ तो आंकड़े जो है वो अब ढलान की ओर थे और बरेली से अचानक ऐसी खबर आई कि 7 मौत हो गई है ताजा और बीते 3 दिन में तो 21 लोगों की जान चली गई है, क्या कारण इसका बताया जा रहा है? क्या ये सभी सीरियस पेशेंट थे या फिर कोई और गड़बड़ी इसके पीछे हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एक तरफ तो यहाँ पे संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। अगर संक्रमितों की बात करें तो कल मात्र 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, उससे एक दिन पहले 8 लोगों की, उससे पहले 12 लोगों की, मतलब 8-10 लोगों में ही सिमट जा रहा है। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, वो नहीं थम रहा है। पिछले 3 दिन में जिस तरीके से रोजाना 7 लोगों की मौत हो रही, 3 दिनों में 21 लोगों की मौत हुई, और इसमें कुछ लोग तो ज्यादातर लोग इसमें ऐसे हैं जो अंडर 50 हैं, तो ऐसे लोग और उनमें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरीके की। खाली उनको कोविड हुआ था और लंबे समय से वो अस्पतालों में भर्ती थे और उसके बाद उनकी मौत हो जा रही है, तो जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी चिंता में पड़ा हुआ है कि आखिर ये वजह क्या है कि एक तरफ तो कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो थमी है, कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है, लेकिन वही मृतकों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी अनुप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। स्वास्थ्य महकमे को थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता है और ये समझने की आवश्यकता है कि वहां पर आखिर ऐसा सब ये सब क्यों हो रहा है, क्यों इतनी मौतें हो रही हैं इतने कम अंतराल में, और 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। यूपी में कोरोना का ग्राफ 1000 से भी कम पर आ गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 709 केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 1706 मरीज ठीक हुए हैं। 1706 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 89 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि कुल 21,516 लोगों की कोरोना के चलते जान गए। प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 12,959 हैं। लखनऊ में कोरोना के 24 घंटे में 38 नए केस आए, जबकि 61 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, वहीं 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी के अस्पतालों में कोरोना से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। लखनऊ में 350 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि कोरोना के 200 से कम मरीज अब भर्ती हैं। KGMU में बुधवार को ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज आए। कोरोना ढलान पर तो अब ब्लैक फंगस बढ़ रहा है और फिलहाल राजधानी की स्थिति यह है कि कोरोना के केस कम और ब्लैक फंगस की ज्यादा है। और बड़ी खबर लखनऊ से, टीम 9 के साथ सीएम योगी आज बैठक करेंगे। सुबह 10:30 बजे सीएम ये बैठक करने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को और गति देने पर चर्चा की जाएगी, कुछ और दिशा निर्देश भी सीएम योगी इस दौरान दे सकते हैं। तो टीम 9 की जो आज बैठक है वो सुबह 10:30 बजे होगी। सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे और उसमें वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेजी कैसे दी जाए, इसको गति किस तरह दी जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही कुछ अहम दिशा निर्देश भी सीएम योगी दे सकते हैं। तो आज सुबह 10:30 बजे टीम 9 की ये बैठक सीएम योगी करेंगे। रोजाना होने वाली अपडेट के साथ ये जो बैठक सीएम करते हैं तमाम अधिकारियों के साथ आज सुबह 10:30 बजे होगी। वैक्सीनेशन को और गति देने पर खासतौर पर मंथन किया जाएगा, कुछ और दिशा निर्देश भी सीएम की तरफ से आज दिए जा सकते हैं। तो सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है टीम 9 की बैठक के लिए, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी। बुधवार को सीएम आवास पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ मुख्यमंत्री की काफी लंबी बैठक चली। करीब 2 घंटे 45 मिनट तक चली बैठक का मुख्य एजेंडा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव का ही रहा। बैठक में खास तौर से उन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत सकते हैं। इनमें कुछ पार्टी उम्मीदवार हैं तो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों को आगे पार्टी में लाने की योजना बनी है, साथ ही कुछ और मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और अनुभव शुक्ला इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, बहुत महत्वपूर्ण बैठक करीब 2 घंटे 45 मिनट तक चली, बड़ी बातें क्या क्या निकल कर आई बैठक से बताएं। देखिए बिल्कुल, ये एक बड़ी बैठक कल मुख्यमंत्री आवास पर हुई और 7:30 बजे शुरू हुई थी और 10
8:15 पर ये ख़त्म हुई, तो तकरीबन 2:45 ये पूरी बातचीत बैठक चली है, जिसमें कि 3 लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। इसके अलावा महामंत्री संगठन उत्तर प्रदेश में जो है सुनील बंसल, वो भी मौजूद थे। और देखिए, सुनील बंसल कल वाराणसी में थे, लेकिन फिर इस बैठक के लिए वो हेलीकॉप्टर से आए, लखनऊ पहुँचे, शाम तकरीबन 6:30 पार्टी कार्यालय पहुँचे, वहाँ हम उनसे मिले। हमने उनसे पूछा कि क्या आखिर मकसद क्या है इस बैठक का, आप अर्जेंट एकदम आ रहे हैं वाराणसी से और अब बैठक में जाएंगे, तो साफ तौर पर जो बात निकल कर सामने आई वो खासतौर से पंचायत चुनाव जो होने हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों के जो चुनाव हैं और ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव अब होने हैं, जो अभी जल्दी अनाउंस हो जाएंगे क्योंकि 12 जुलाई से पहले वो चुनाव उत्तर प्रदेश में हो जाने हैं, तो उसको लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की है। क्योंकि इस बार का जो पंचायत चुनाव था, बीजेपी ने बहुत एग्रेसिवली उसको लड़ा, लेकिन नतीजे उस अनुरूप नहीं आए जैसे पार्टी ने तैयारी की थी। अब इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कोशिश ये है कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हैं, जो सीटें हैं, और 826 जो ब्लॉक प्रमुख की सीटें, उन सब में से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की जाए। तो कल जो बैठक हुई उसमें कई ज़िलों में ऐसे उम्मीदवार जो निर्दलीय हैं, जो जीत कर आए हैं, और उनको अब बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कई जगहों पर देखिए, बीजेपी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो अपने अध्यक्ष बनवा सकें, इसीलिए निर्दलियों पर भी अब दाव बीजेपी लगा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि निर्दलीय को बाहर से समर्थन करेगी, नहीं, पार्टी ने इसके लिए रणनीति तैयार की है, जो भी निर्दलीय है उसको अपने साथ लाएंगे, बीजेपी ज्वाइन कराएंगे और फिर उसको उम्मीदवार बनाएंगे। तो ये भी माना जा रहा है कि अब इस बैठक के बाद जल्द जो है वो जिला पंचायत अध्यक्षों के जो उम्मीदवार होंगे बीजेपी की, उनकी लिस्ट भी जारी हो सकती है। बिल्कुल, और आप नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुभव आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में फटाफट खबरें शुरू करते हैं। वाराणसी में गंगा के पानी का हरा रंग होने के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम काशी से मिर्जापुर के नमूने ले रही है। दरअसल गंगा में शैवाल दिखने के बाद गंगा का पानी हरे रंग का दिख रहा है, जिसकी जांच के डीएम ने आदेश दिए। गाजीपुर में स्लॉट बुक कराने के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं होने से नाराज युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती ने सीएमओ ऑफिस के बाहर खड़े होकर हंगामा काटा। करीब 1.25 महीने बाद गोरखपुर अनलॉक हुआ तो सड़क पर चहल पहल बढ़ गई। बाजार के साथ दुकानों पर रौनक लौट आई। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, हालांकि कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। देवरिया में पुलिस ने कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि दी। एसपी डॉक्टर शिवपति मिश्र और जिले के सभी पुलिस कर्मियों ने कोरोना से लड़ाई और मरीजों की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कुशीनगर में दबंगों ने एक युवक की बेल्ट और लात घूंसों से पिटाई कर दी। किसी तरह युवक ने छिपकर दबंगों से अपनी जान बचाई। मारपीट की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि युवक की शिकायत के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर पुलिस ने छेड़खानी के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राशिद नाम के आरोपी को तकिया मोहल्ले से गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ संपत्ति धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। बस्ती में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में 3 बच्चों समेत 5 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 1 महिला की मौत हो गई है, वहीं बच्चों की हालत इस वक्त गंभीर है। सूचना पर छावनी पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी हरैया में भर्ती करा दिया है। सिद्धार्थनगर में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष हो गया। वायरल वीडियो सदर तहसील के लोटन ब्लॉक के डेहला गांव का बताया जा रहा है। यहां पर पंचायत चुनाव में पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थकों में कहासुनी हुई थी। मऊ प्रशासन ने एक बार फिर मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की है। थाना दक्षिणा टोला के तहत पोखरा के बगल में मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के नाम से मौजूद जमीन को जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करते हुए सीज कर दिया है। सोनभद्र में पुलिस ने अंग्रेजी और देसी शराब की दुकान पर छापेमारी की। म्योरपुर कस्बे के पुलिस ने छापेमारी को अंजाम दिया और इस दौरान शराब की दुकान में रखे गए रजिस्टर को चेक किया गया। साथ ही दुकानदार को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने की चेतावनी दी गई। बलिया में यूपी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि भाजपा किसी एक जाति, क्षेत्र और परिवार की पार्टी नहीं है। हम भारत और भारतीयता, राष्ट्र और राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। तो सुपरफास्ट खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से बड़ी खबर है।
अनलॉक के पहले ही दिन ताबड़तोड़ वारदातें हुए हैं लखनऊ में। थाना मड़िया इलाके में अधेड़ की हत्या कर हत्यारे फरार हो गए। थाना विभूति खंड इलाके में सिपाही ने एक युवक को गोली मार दी। थाना ठाकुरगंज इलाके में युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। एक दिन में राजधानी में 4 वारदातों से हड़कंप मच गया। 4 वारदातें अलग अलग जगहों पर अंजाम दी गई। बड़ी खबर आपको दे रहे लखनऊ से, अनलॉक के पहले ही दिन बदमाश भी बेखौफ और इसमें कुछ सिपाही को बताया जाना, एक सिपाही ने युवक को गोली मार दी। 4 अलग अलग वारदातें एक दिन में राजधानी में। जाहिर तौर पर सवाल कानून व्यवस्था पर उठेगा। अनलॉक के पहले दिन ये ताबड़तोड़ वारदातें अंजाम दी गई। थाना मड़ियाव इलाके में अधेड़ की हत्या कर दी गई। तो विभूति खंड इलाके में एक सिपाही ने युवक को गोली मार दी और थाना ठाकुरगंज इलाके में एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। सभी जगहों पर बदमाश फरार। एक दिन राजधानी में 4 वारदातों से। लखनऊ से सनसनीखेज खबर आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर आदित्य शुक्ला को गोली मार दी गई है। प्रॉपर्टी डीलर की कार और मोबाइल लूटकर बदमाश भाग गए। सुशांत सिटी गोल्फ थाना क्षेत्र का यह मामला है। एचसीएल चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सुशांत सिटी गोल्फ थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। एचसीएल चौकी से 50 मीटर ही दूर थी वो जगह जहां पर यह वारदात हुई है। प्रॉपर्टी डीलर के विवाद की बात हालांकि सामने आ रही है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, प्रॉपर्टी डीलर आदित्य शुक्ला को गोली मारी गई, कार और मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो गए। लखनऊ में पेट्रोल डालने आए युवकों ने हवा न मिलने पर हंगामा काटा। युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से गाली गलौज शुरू की, अभद्रता शुरू की और ये गाली गलौज करने से मना करने पर युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला किया। और ये तस्वीरें हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग भी वहां पर जुट गए। दरअसल युवकों ने पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल होने वाले बैरिकेडिंग को भी वहां से हटाया और फिर उसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला किया गया। उनके साथ मारपीट की गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और ये सीसीटीवी फुटेज है और इस फुटेज में आप उन युवकों को देखिए, इन दबंग युवकों को देखिए, किस कदर गुंडागर्दी उन्होंने पेट्रोल पंप पर की है। सहगतगंज इलाके के पेट्रोल पंप का मामला है। उधर लखनऊ में ही एक नशे में धुत दबंग मकान मालिक ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है। मामूली सी बात पर यह दबंग मकान मालिक किरायेदार महिलाओं को पीटने पर उतारू हो गया, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। मामला विकास नगर थाना क्षेत्र का। और ये देखिए, ये उस वक्त का वीडियो है जब ये सब हाथापाई चल रही थी। बताया जा रहा है कि ये जो मकान मालिक है नशे में धुत भी था, स्वभाव से दबंग, और किस तरह ये महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहा है, मारपीट तक की गई, जिसके बाद थाने में इसकी शिकायत की है, महिलाओं ने तहरीर दी है। पीड़ित महिलाओं ने अब इस बाबत पुलिस से शिकायत की। और देखिए उस वक्त का वीडियो जब ये महिलाओं के साथ हाथापाई कर रहा है। तो खुद को बचाने के लिए ये महिला चिल्ला रही है, मदद मांग रही है, और ये मकान मालिक देखिए किस तरह दबंगई दिखा रहा है। उस वक्त ये नशे में धुत था, ये भी आरोप महिला ने लगाया है। खबर अब प्रयागराज से, जहां गंगा के किनारे बड़ी तादाद में शवों को दफनाए जाने के मामले में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। केस से जुड़े वकील विजय चंद्र श्रीवास्तव ने एबीपी गंगा के साथ दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है और इस प्रार्थना पत्र में शवों को दफनाए जाने की उच्च स्तरीय जांच की मांग उन्होंने करवाने की मांग की। शवों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाने का आदेश देने की मांग उन्होंने की है और यह भी कहा है कि सरकारी अमले की लापरवाही की वजह से गंगा में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलने की आशंका है। सुनवाई आप आज दोपहर 2:15 पर चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस प्रकाश पांड्या की डिविजन बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। चैनल
ने जो इस चीज़ को दिखाया, मैं गंगा जो माननीय उच्च न्यायालय में कोरोना की जनहित याचिका चल रही, मैं उसका अधिवक्ता हूँ, मैं इस बात को उठाऊंगा कि चाहे सिंगबेरपुर में और फाफा मऊ में प्रयागराज में जो सौ की दुर्दशा हुई है, जो उनके सौ के कपड़े नोचे गए और गंगा माँ को प्रदूषित किया गया, इसकी बाकायदा इंक्वायरी की जाए, इसकी जाँच की जाए, इसकी जाँच रिपोर्ट मंगाई जाए और साथ में जो लोग जिम्मेदार हैं गंगा को प्रदूषित करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, 2:15 पर सुनवाई होने मामले की, आज की सुनवाई में क्या रहेगा? देखिए, दोपहर को जब सुनवाई शुरू होगी तो सबसे पहले केंद्र सरकार के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। वो बताएंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर अब किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा हो सके, इस अभियान में गति आ सके। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल हैं, वो इस बात की जानकारी देंगे कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये बताएंगे कि जो कोरोना की तीसरी आशंकित लहर है उसके लिए किस तरीके की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जो वकील हैं जो दूसरी जनहित याचिका से जुड़े हुए, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी और उसी में जो एडवोकेट हैं विजय चंद श्रीवास्तव, उन्होंने जिन्होंने एबीपी गंगा की खबर को आधार बनाया है और श्रृंगवेरपुर समेत तमाम घाटों पर जो गंगा किनारे बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया था उस मामले को उठाएंगे। उनकी तीन प्रमुख मांग है। एक मांग तो ये है कि इस मामले में एक हाई लेवल इंक्वायरी की जाए, जांच बिठाई जाए। दूसरा ये कि जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तीसरा ये कि जो किनारे की तरफ शव है जिन्हें बालू में गाड़ दिया गया है उन्हें निकालकर सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार। जी हाँ बिल्कुल। और अब इस पूरे मामले के लिए जो हाई लेवल इंक्वायरी होने जा रही है उसमें बीपी गंगा की ही उस रिपोर्ट को आधार बनाया गया है जिसमें बीपी गंगा ने सबसे पहले दिखाया था कि देखिए किस तरह गंगा किनारे लोग शवों को दफना रहे हैं, उनके कपड़े और चुनरियां नोची गई, आसपास लकड़ियों को जलाया गया निशान मिटाने के लिए। शुक्रिया मोइन, आप नजर बनाए रखिए। चले आगे बढ़ते हैं और अब खबरें अवध की सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में लोहिया अस्पताल के अंदर सिपाही ने एक युवक को गोली मार दी जिससे युवक की मौत हो गई। बाद में सिपाही ने विभूतिखंड थाने में पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया। सिपाही का नाम आशीष मिश्रा बताया जा रहा है जो कि सीतापुर में तैनात है। सीतापुर में मेथा ऑयल की टंकी का बॉयलर फटने से एक युवक और दो बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। आनंद फारन में सभी को CHC में भर्ती करवाया गया जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। BSP से सस्पेंड होने के बाद पूर्व मंत्री और विधायक रामअचल राजभर ने प्रतिक्रिया दी। रामअचल राजभर ने कहा कि उन्हें आधारहीन आरोप लगाकर पार्टी से निकाला गया है, बहन जी ने उनका पक्ष नहीं सुना। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर विवाहिता का शव फांसी से झूलता हुआ मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा कि 4 साल पहले कर्मावती की शादी शीतला प्रसाद से हुई। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर धरना दिया। यूपी में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आबकारी और पुलिस विभाग के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फतेहपुर के ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए निगरानी समिति काम कर रहे और समिति के लोग घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे और ग्राम सभाओं में जन चौपाले लगाए जा रहे हैं। कौशाम्बी के क्रय केंद्रों में टोकन मिलने के बाद भी गेहूं की तौल समय से नहीं हो रही जिससे गेहूं के कई दिनों तक क्रय केंद्र में खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है और इसी से नाराज किसानों ने मंझनपुर मुख्यालय से सटी नवीन मंडी ओसा में जाकर हंगामा किया। प्रतापगढ़ में पुलिस और STF ने नकली पेट्रोल और डीजल के कारोबार का भंडाफोड़ किया। मामला पवनपुर के सेनापुर गांव में मौजूद मां विंध्यवास ने पेट्रोल पंप का है। पुलिस ने यहां से 9000 लीटर नकली डीजल और 2500 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया। औरैया में पुलिस और स्वाट टीम ने जिला बदर दो चोरों को पकड़ लिया है। इनके पास से चोरी की बाइक और एक तमंचा बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चोरी के कई मुकदमे पहले से दर्ज है। रायबरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। डिप्टी SP अंजनी चतुर्वेदी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर निकले और इस दरमियान खीरो खस्बे के से लेकर गांव के रूट तक मार्च किया गया। लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी।
और चलिए अब वक्त हो गया है यूपी और उत्तराखंड में किस तरह की हलचल है उससे आपको रूबरू कराने का। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। लखनऊ में टीम 9 के साथ आज सीएम योगी बैठक करने जा रहे हैं और यह बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। अधिकारियों के साथ टीम 9 की बैठक सीएम योगी करने जा रहे हैं जिसमें वैक्सीनेशन को और गति देने पर चर्चा होगी। कुछ और दिशा निर्देश भी सीएम योगी इस दौरान दे सकते हैं। इसके अलावा यूपी में कोरोना से जुड़े हुए मामलों की मॉनिटरिंग कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच आज फिर से सुनवाई करेगी। प्रयागराज में गंगा किनारे शवों को दफनाए जाने का मामला भी कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा और केस से जुड़े हुए वकील विजयचंद श्रीवास्तव ने एबीपी गंगा और दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाकर एक प्रार्थना पत्र भी दिया है जिसमें कि शवों को दफनाए जाने के मामले की एक हाई लेवल इंक्वायरी कराए जाने और उसमें लापरवाही बरतने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उधर छात्रों को प्रमोट करने के मामले में यूपी बोर्ड ने लोगों से अब सुझाव मांगे हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए बोर्ड ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं और इसके लिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021@gmail.com ये ईमेल आईडी रिलीज किया गया है। इस पर अपना सुझाव लोग दे सकते हैं। आज दोपहर 2 बजे तक मिले सुझावों का यूपी बोर्ड परिणामों में इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा खास वो आपने जाना। उत्तराखंड में क्या रहेगा खास आपको बताते हैं। उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जून तक प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर बारिश की आशंका जताई है। आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्मी में भी इजाफा होगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आवास से शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे। दोपहर के बाद सचिवालय में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सचिवालय में अलग अलग अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत है, बातचीत करेंगे। कोविड को लेकर भी मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों के साथ बात करेंगे।